पटना में अपनी मांगों को लेकर बिहार विधानसभा के बाहर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। मानदेय दुगुना करने और सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिए जाने की मांग। यूपी के लखनऊ में डायल 112 की महिला कर्मचारियों का प्रदर्शन। वेतन बढ़ाने और नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर दिया धरना। गुजरात के सुरेंद्रनगर में राजकमल चौक पर 10 से ज्यादा दुकानों में आग लगी। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। फिलहाल आग लगने की वजह साफ नहीं। छत्तीसगढ़ में 20 सीटों पर मतदान जारी। मतदान से पहले छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने की पूजा। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में बोले, छत्तीसगढ़ के इतिहास में भूपेश बघेल से ज्यादा करप्ट सीएम नहीं हुआ। बीजेपी उम्मीदवार चेतराम अटामी ने किया मतदान। दंतेवाड़ा मतदान केंद्र पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान। 90 में से 20 सीटों पर वोटिंग जारी। मतदाताओं में दिखा उत्साह। सुबह 9:30 बजे तक तकरीबन 10% वोटिंग। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर पोलिंग बूथ पर बीजेपी उम्मीदवार किरण देव ने डाला वोट। लोगों से वोट करने की अपील की। छत्तीसगढ़ के मंत्री और कांग्रेस उम्मीदवार कवासी लखमा ने वोट डाला। वोट डालने के बाद किया बड़ी जीत का दावा। फर्स्ट टाइम वोटर्स में मतदान को लेकर क्रेज दिखाई दिया। दंतेवाड़ा के संगवारी मतदान केंद्र पर माला पहनाकर स्वागत किया गया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया के जरिए पहली बार वोट करने वाले मतदाताओं से लोकतंत्र के त्योहार को मजबूत करने की अपील की। महिला मतदाताओं के लिए खास इंतजाम। जगह जगह बनाए गए पिंक बूथ। मतदान कर्मी से लेकर सुरक्षा तक महिलाओं के हाथ कमान। उत्साह के साथ वोटिंग जारी। लोकतंत्र के महापर्व पर लोगों में दिखा भारी उत्साह। बुजुर्ग हो या लाचार, मतदान को लेकर लोगों में गजब का उत्साह। जारी मतदान के बीच राहुल गांधी ने सोशल मीडिया के जरिए मतदाताओं से की अपील। एक्स पर लिखे पोस्ट के जरिए मतदाताओं को याद दिलाई कांग्रेस की गारंटी। कांग्रेस पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल का हमला। कहा कांग्रेस के पास कोई विजन नहीं। बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकती है कांग्रेस पार्टी। मिजोरम के राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति ने आइजोल साउथ के मतदान केंद्र पर वोट डाला। सभी मतदाताओं से लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लेने की अपील की। दोबारा पोलिंग बूथ पर वोट डालने पहुंचे मिजोरम सीएम जोरमथंगा। पोलिंग बूथ पर किया मतदान। पहली बार में खराब मिली थी ईवीएम। मिजोरम की 40 सदस्य विधानसभा के लिए मतदान जारी। सुबह 9 बजे तक मिजोरम में कुल 11.41% मतदान। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केदारनाथ मंदिर में की महाअभिषेक पूजा। पूजा के बाद दिल्ली के लिए रवाना हुए। 3 दिन से केदार धाम में ही थे राहुल गांधी। चुनावी राज्यों में पीएम मोदी का आज भी धुआंधार प्रचार। 3 राज्यों में पीएम करेंगे जनसभा। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में रैली। हैदराबाद में बीसी आत्म गौरव सभा को भी करेंगे संबोधित। आज तेलंगाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य कार्यक्रम है। हैदराबाद के लाल बहादुर स्टेडियम में बीसी आत्मा गौरव सभा को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी के तेलंगाना दौरे पर बीआरएस नेता के कविता ने कहा, बीजेपी ने पिछड़े वर्ग के लिए कुछ नहीं किया। दक्षिण के कई राज्यों की मांग के बावजूद नहीं बनाया बीसी कल्याण मंत्रालय। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज राजस्थान दौरा। 3 रैलियों और 2 रथ सभाओं को भी करेंगे संबोधित। कुचामन समेत 3 जगहों पर अमित शाह की होगी रैलियां। मराठा नेता मनोज वरंगे से आज मिलेगा महाराष्ट्र सरकार का प्रतिनिधिमंडल। कुनवी प्रमाण पत्र से जुड़ी देगा टाइम बाउंड की रिपोर्ट। शिंदे कमेटी के कुछ सदस्य भी करेंगे मुलाकात। आप विधायक दल की बैठक का फैसला। ईडी अगर केजरीवाल को करती है गिरफ्तार तो जेल से चलेगी सरकार। आम आदमी पार्टी के विधायक दल की दिल्ली विधानसभा में हुई थी बैठक। यूपी के शामली में एनआईए और एसटीएफ की छापेमारी। गिरफ्तार आईएसआई एजेंट कलीम के माता पिता से हथियारों की तस्करी मामले में कई घंटों हुई पूछताछ। तमिलनाडु के राज्य मंत्री ईवी वेलू पर इनकम टैक्स विभाग का एक्शन। 5वें दिन भी आईटी की छापेमारी जारी है। 40 से ज्यादा जगहों पर सर्च कर रही है टीम। बिहार विधानसभा में आज रखी जाएगी जाति जनगणना की आर्थिक सामाजिक रिपोर्ट। 2 अक्टूबर को जारी आंकड़ों में केवल वर्ग और धर्म विशेष के लोगों की संख्या की दी गई थी जानकारी। मराठा नेता मनोज जरांगे से आज मिलेगा महाराष्ट्र सरकार का डेलीगेशन। कुनबी प्रमाण पत्र से जुड़ी देगा टाइम बाउंड रिपोर्ट। शिंदे कमेटी के कुछ मेंबर्स करेंगे मुलाकात।
पंजाब के लुधियाना में महिला की हत्या से सनसनी, अज्ञात हमलावरों ने की महिला की हत्या, वारदात की जांच में जुटी है पुलिस। तमिलनाडु में मछुआरों का प्रदर्शन, श्रीलंका के कब्जे से मछुआरों और नाव को छुड़ाने के लिए भूख हड़ताल, रामेश्वरम में मछुआरों ने किया प्रदर्शन। गुरुग्राम में जय श्री राम बोलने पर टीचर ने की छात्रों की पिटाई, पिकनिक के दौरान जय श्री राम का नारा लगाने पर छात्र छात्राओं को पीटा, परिजनों ने स्कूल पहुंचकर किया हंगामा। केरल में किसानों के लिए मुसीबत बनी भारी बारिश, कोटायम में ज्यादा बारिश से धान की फसल को नुकसान पहुंचा, तेज हवा चलने से जमीन पर बिछ गई फसल। अभी भी गंभीर श्रेणी में दिल्ली की हवा, आनंद विहार में 432, पंजाबी बाग में 439, न्यू मोतीबाग में 410 AQI, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का आंकड़ा। 5 दिनों से घुटती दिल्ली को देखने के बाद दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, 13 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक ऑड इवन के तहत चलेंगे वाहन, नियम तोड़ने वालों का कटेगा चालान, स्कूल भी रहेंगे बंद। सोनिया, राहुल और प्रियंका की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, 2018 और 19 के आयकर असेसमेंट को इनकम टैक्स के केंद्रीय सर्किल में ट्रांसफर करने को दी है चुनौती। प्रयागराज में अतीक अहमद की बेनामी संपत्ति कुर्क, गैंगस्टर एक्ट में करीब 20 बीघा जमीन की गई कुर्क, 16 स्थानों पर 20 बीघा जमीन की जानी है जब्त।